तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना 2020 में लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप यहां से प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं या फिर बना लेते हैं, तो आप अपने प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अप्लाई किए हो उसकी सारी डिटेल को देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर आवास मिला है कि नहीं, आपका लिस्ट में यहाँ पर किसी तरह कोई टैग किया गया है कि नहीं, या फिर अपनी आईडी की मदद से अगर आपने कोई चेंजेस करना चाहते हो, कोई बदलाव करना चाहते हो, तो आप आसानी से बदलाव कर सकते हैं इस यूजर आईडी एंड पासवर्ड की मदद से। तो आज आप इसी वीडियो में देखने वाले हो कि किस तरह से आप यहाँ पर एक नया यूजर आईडी एंड पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ दिल्ली के लिए, अगर आप दिल्ली से हो तो किस तरह से आप यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपना प्ले स्टोर को ओपन करना है और आपको ऊपर में सर्च बॉक्स में जाना है। सर्च बॉक्स में आने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है एम आवास, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो पहला वाला ऑप्शन शो हो रहा है, सिंपली आपको एम आवास ऐप को आपको क्लिक कर लेनी है। उसके बाद आपके सामने ये जो पहला वाला ऐप आ रही है जहाँ पर लिखा हुआ है एम आवास और आपको लिखा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आपको इस ऐप को डाउनलोड करनी है। क्योंकि मैंने इस ऐप को पहले डाउनलोड कर लिए हैं, तो चलिए मैं सिंपल इसको ओपन कर लेता हूँ। ये जो है बिल्कुल ये गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के लिए। तो अगर आप अर्बन से हो और अगर आपने कोई भी आवास अप्लाई किए हो, तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपका लिस्ट वेटिंग लिस्ट में है या फिर आपका लिस्ट में बेनिफिशियरी लिस्ट में ऐड हुआ कि नहीं है, या फिर आप कोई डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आईडी पासवर्ड की मदद से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैं चलिए ओपन कर लेता हूं। इस ऐप का लिंक और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं, जैसे आप इसको ओपन करते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। तो सबसे पहला आपको ऑप्शन दिखाई मिल रहा है सेलेक्ट सिटी, तो सबसे पहले सेलेक्ट सिटी पर क्लिक करनी है। उसके बाद ओनली फॉर आपको सिर्फ एक ही स्टेट शो होता है जो दिल्ली, तो आपको सबसे पहले दिल्ली को सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप देखोगे कि आपके सामने कुछ इस तरह का रिजल्ट शो होते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, और आपको अगर है तो आप ये वो साइन इन कर सकते हो। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है साइन अप, तो आपको सिंपली साइन अप वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने लोडिंग लेता है और आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन शो होते हैं। तो आपको जो पहला वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पर सेलेक्ट मिनिस्ट्री, तो आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट करनी है। सॉरी, यहाँ पर मेरा बहुत जल्दी कर गया, तो मैं फिर से कर लेता हूँ। और यहाँ से आपका जो भी सामने वाला जो मैनेजमेंट है, ठीक है ना, आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ। क्योंकि मैं दिल्ली से नहीं हूँ, इसलिए आप लोग हो तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना है जो आपको जान पहचान हो, या फिर जानते हो, या फिर आपने कभी यहाँ पर कभी गए हो, या फिर किस तरह कोई स्टाफ हो, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ किसी को। उसके बाद आपके सामने फेचिंग यानी लोडिंग लिया, उसके बाद आपके सामने आता है सेलेक्ट डिपार्टमेंट। तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए है ये, तो आपको सिंपली वहाँ पर डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर लोडिंग ले रही है। उसके बाद आपके सामने आता है सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो संस्थान है उस संस्थान को आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर एक संस्थान सा रही है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, तो मैं इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर लोडिंग लिया, उसके बाद आपके सामने आता है सेलेक्ट ऑफिस नेम, आपका जो ऑफिस है ऑफिस का नाम क्या था। आपको यहाँ से जो 5-6 ऑफिस थे नाम दे रखी है, इस ऑफिस को आपको यहाँ सेलेक्ट करना होता है। तो चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ DEP ऑफ पोस्ट। उसके बाद आपके सामने आता है तो ऑफिस की आईडी, आपको रिजल्ट्स होती है, और आपको यहाँ पर आता है ऑफिस नेम, आपको ऑफिस का नाम भी आपको दिखे मिल रही है। इतना सारा आपको यहाँ फिलअप कर लेने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का शो होता है। सबसे पहले आपको अपना जो नाम है, जो आपका रियल नाम है, आपको यहाँ पर नाम लिखनी है। उसके बाद जैसे कि ऑफिस नाम बताया मैंने कि यहाँ पर इस ऑफिस में आपका काम क्या था, आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। स्टाफ था या फिर कोई जो भी था या फिर जो भी था, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखनी है, आप किस संस्था मतलब किस पद पर थे। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट देनी है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है। आपको यहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ आपको मिलान कर लेना, जितना भी हो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है।
ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाया जाता है डेट ऑफ जॉइनिंग्स, आपका जो जॉइनिंग किया हुआ था वो जॉइनिंग किस डेट को था, जॉइनिंग डेट आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है जिस भी डेट का वो जॉइनिंग था, जॉइनिंग दे देनी है। उसके बाद आपको आता है डेट ऑफ रिटायरमेंट, अगर आपका रिटायर्ड हुआ है तो आपका रिटायर डेट क्या है, आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट को आपका यहाँ पर रिटायर्ड हुआ है। इतना सारा करने के बाद आपको यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करनी है, और अगर आपका ईमेल आईडी है तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी को फिलअप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है। सबमिट पर ऑप्शन पर क्लिक कर देने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पे ओटीपी आती है, उस ओटीपी को फिल करना होता है। उसके बाद ही आपको अपना जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है वो आपको यहाँ से मिल जाती है। इसके सारे अगर आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन पहले दिया करता था, लेकिन अब यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दिया जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से दिल्ली से नहीं हूँ और मेरे पास यहाँ पर कोई ही रिटायरमेंट आईडी कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ सिंपली लॉगिन नहीं कर सकता हूँ। अगर आपके पास है तो आप यहाँ से लॉगिन वगैरह यहाँ से कर सकते हो और अपना डेटा को फिलअप करके ले सकते हैं। तो मैंने आप लोग को एक जरिया बताया जिसकी मदद से आप यहाँ से कर सकते हो, अगर कोई रिटायरमेंट ऑफिसर हो या फिर कोई जो किसी गवर्नमेंट संस्थान में काम करते हो तो यहाँ सिंपली लॉगिन आईडी पासवर्ड ले सकते हैं, बट हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अपने फ्रेंड तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं और इस तरह नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहे इस चैनल के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।